बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रब्बी ज़िदनी इल्मा। एक एक चीज़ होती है नेचुरल, नेचुरल होती है कुदरती, जिसे कौन पैदा करे? अल्लाह सुबहाना व ताला। एक चीज़ होती है जो हम बनाते हैं। अब गन्ना किसने पैदा फरमाया? अल्लाह सुबहाना व ताला ने। और चीनी हमने उससे उस पर मुख्तलिफ तरीके आजमाए, उससे हमने चीनी, चीनी क्या हो गई? सिंथेटिक शुगर। गुड़ क्या हो गया? गुड़ यार। या गन्ने का जूस क्या हो गया? नेचुरल, नेचुरल हो गया। बनाते तो हैं लेकिन वो कुदरती तौर पे, उसमें हमें कोई कुछ करना तो नहीं पड़ रहा, वो तो वैसे ही मुंह में इस तरह दबाए गन्ना जूस निकल आएगा। और जब उसकी वो प्रोसेस करे तो वो चीनी बन जाएगी। सिंथेटिक मीडिया आर केमिकली डिफाइंड, हेयर द नेचर एंड अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट आर नोन। ना सिर्फ हर जो उसके अंदर जुज़्व मौजूद है उसकी फितरत हमें पता है, बल्कि एक एक कंपोनेंट का भी पता है, क्योंकि हमने खुद बनाया ना। अब एक घर हमने खुद बनाया, फ़र्ज़ करें ये दीवार खुद बनाई है, हमें पता है इसमें कितना सीमेंट डाला, कितनी रेत डाली, कितनी ईंटें लगी हैं, जो हम बनाया हमने खुद है वो। सच ए मीडियम माइट कंटेन ग्लूकोज, अमोनियम फास्फेट, पोटाशियम फास्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। इसमें हमें नेचर और अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट पता होती है। क्या कुछ इसमें पता है हमें? नेचर एंड अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट। ईच कहते हैं हर चीज़ की। ये क्या होती है? नोन होती है। नोन किसे कहते हैं? पता होना। इसने कहता मैं तुम्हें जानता हूँ, आई नो यू। और आगे इसमें और क्या कुछ मौजूद होता है? और इस तरह के मीडियम में माइट भी, माइट भी कहते हैं, हो सकता है ग्लूकोज, हाँ जिस तरह कहते हैं मे बी, मे बी। क्या कुछ बताया? ग्लूकोज और आगे अमोनियम फास्फेट, और अमोनियम फास्फेट, पोटाशियम फास्फेट, पोटाशियम फास्फेट और आगे मैग्नीशियम सल्फेट और आगे मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, इसका साइन है, सैम्बल है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये आम जो नमक खाते हैं ना, सफ़ेद नमक, वो क्या फार्मूला होता है? शाबाश।